कुछ तो ऐसे होने चाहिए सेलेक्टेड लोग जोइन लल्ला के लाएँ और तब्लीग में वक्त ज़्यादा दिया करें पम्फलेट तकसीम करने के या पोस्ट बक्स में पक्स पम्फलेट डाल देते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है हैं, लोगों को भी दें और स्टॉल लगाएँ जहाँ बताएँ इस्लाम के ख़िलाफ़ वहाँ बहुत कुछ कहा जाता है तो इस्लाम की अमन की तलीम क्या है इस्लाम तो अमन पसंद है जो लोग अमन को तोड़ते तो तो हैं वो इस्लाम की तलीम पर अमल नहीं कर रहे इस्लाम जंगों की किस हालत में इजाज़त देता है और इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है आदरल की सीरत बयान करें कि किस तरह आप अमन कायम करने के लिए करते थे और क़ुरान शिव की तलीम किया है और हज़रत अल्लाह मुसीम के आने का मकसद क्या है कि इस्लाम की इशात करना और अमन और सलामती और मोहब्बत के पैगाम को पहचाना कम अज़ कम एक दफ़ा लो इन लोगों के दिमागों से इस्लाम के ख़िलाफ़ जो ये तसरा है ना कि इस्लाम से जो पसंद है वो दूर हो जाए फिर बाकी तबलीग के काम भी करें कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है और यही कामयाब होने वाला मजहब है और ख़ुदाम को इसकी ट्रेनिंग दें और ख़ुदाम को ख़ुद भी इलम होना चाहिए यह नहीं कि किसी फ्रेंच से वास्ता पड़ जाए तो डर के मारे कहते हैं हाँ 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 तुम ठीक कहते हो मुसलमान है ही खराब सारे मुसलमान ख़राब नहीं हैं वो जो कोई हरकत करता है तो इस्लाम की जो तलीम है उसके खिलाफ करता है तो हर एक खादम को अपना नमूना दिखाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए किसी से और इस्लाम की तालीम खुले तौर पर बयान करनी चाहिए